اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة معزز ناظرين الكرام الله تعالى كي حمده ثناه همئ ये दिन से मुतक कुछ मालूम सीखने सिखाने का मौका नसीब किया आज बरोज़ एतवार तेईस सफर चौदह सौ बयालीस है मुताबिक दस अक्टूबर दो हजार बीस ये खिताब बेंगलुरु दुरूस के नौजवानों की जानिब से मुकर है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों में इखलास नसीब फरमाए और इनकी कोशिशों को जलाल शरफ़ कबूलियत से नवाजे मुजस्तरीन फिर सलाम हो नबी हुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर जिन पर सलाम बंदों को अल्लाह के रहमतों बरकतों का मुस्तक बना देता है मोजाद्रीन जिस उनवान पर मुझे आपके सामने कुछ कहना है वो है ख़ुशगवार घरेलू जिंदगी मोजा सदरीन जैसे आप लोगों को पता है कि ये दुनिया आजमाइश है एक इम्तिहान है और इस दुनिया से हर एक को गुजर करके अपनी आखिरी मंजिल जन्नत या जहन्नम अल्लाह को पहुंचना है अब चूंकि इंसान जैसा कि बाजुलामा कहते हैं कि कल उन्स से निकला है तो इसे उनसीयत की जरूरत है आपसी उल्फत मोहब्बत की ज़रूरत है मानूस वो दूसरों से हो जाता है तो अल्लाह ताला ने एक ख़ानदान का माहौल बनाए रखा कबीले का माहौल बनाए रखा जैसे फ़रमाया अल्लाह ताला ने या मिन नेन्ना व खलकना व जअलनाकुम कर व वज्लाबा तारफ़ो ए लोगो हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया और हमने तुमको मुख्तलिफ़ कबीलों में मुख्तलिफ खानदानों में बांट दिया ताकि तुम फिर दोबारा एक दूसरे से मुतारफ़ हो सको तो इन्हीं अफराद से ख़ानदान बनते हैं इन्हीं ख़ानदान से उम्म तश्कील पाती है और किसी भी साल और बेहतर माशरे के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल घराना चाहिए एक मुआशरा एक उम्मत घरों से बनती है जिस तरीक़े से घर अफ़राद से बनता है तो उस वक्त तक साले मुआशरे की आप तो नहीं रख सकते जब तक कि उसके अफराद यानी घरों के अंदर असलाह ना हो घर शरीयत के मुताबिक ना गुज़र रहे हों और घरों में उस वक्त तक आप खैर की तमन्ना नहीं कर सकते जब तक कि उसके अफराद के अंदर दीनदारी ना पाई जाए तो बजत हाजरीन इसी खुशगवार घरेलू ज़िंदगी से मुतालिक मुझे आपके सामने बात रखनी है कि कोई घरेलू ज़िंदगी कैसे खुशगवार हो सकती है कोई भी घरेलू ज़िंदगी हो कोई भी घराना हो वो कैसे खुशगवारी पा सकता है कैसे खुशगवार वो बन सकता है इससे मुतल मैं इन श्ल्ला आपके सामने दस निकात में दस पॉइंट की शक्ल में बात रखूँगा उम्मीद है आप इसको ब़ौर समात करेंगे और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इन दस पॉइंट में दस निकात में उन तमाम मामलत को उन तमाम हिदायत को समेटने की कोशिश की गई है कि जिससे एक ईमानदार घराना खुशगवार घर वजूद में आ सकता है मजसादीन सबसे पहली चीज़ सबसे पहला पॉइंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी घर कोई भी घर अफराद से तश्कील पाता है उन अफराद के सुधार से घर में सुधार पैदा होता है उन अफराद के बिगाड़ से घर में बिगाड़ पैदा होता है तो घर के उन अफरा में कौन सी सिफात चाहिए कौन से अखलाक़ चाहिए और उनको किस किस्म का सलूक अपनाना चाहिए इससे मुतालिक मैं आपके सामने बात रखूँगा सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान अल्लाह ताला पर तोल अल्लाह के साथ अपना मज़बूत ताल्लुक़ और इसी तरीके से बकसरत अल्लाह की याद और अल्लाह ने जो फराइज और वाजिबात एक बंदे पर रखे हैं उसकी अदायगी सबसे पहली ईंट है यह सबसे पहला पॉइंट है यह सबसे पहला नुकता है कि जिसके जरिए किसी घर को आप खुशगवार हालत में देख पाते हैं क्योंकि देखिए दिलों का सुकून अल्लाह के हाथ में है घरों का सुकून अल्लाह के हाथ में है जिस दिल में अल्लाह सुकून डाल दे उस दिल को कोई बेचैन नहीं कर सकता जिस घर में अल्लाह सुकून और इत्मीनान नाजिल कर दे वो घर पूरे इत्मीनान की जिंदगी गुजारता है तो जिस घर का ताल्लुक, जिस घर के अफराद का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत से मजबूत होगा वो घर उतना ही खुशगवार उतना ही बेहतरीन उतना ही अफजल और उतना ही नेक होगा मुजसद्रीन जैसा कि अल्लाह के नबी आलतम ने हदीस कलसी में फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद यह है कि बंदा अल्लाह ताला के वाजिबात की अदायगी करे यानी अल्लाह ने जो उस पर फ़र्ज किए हैं जो इबादतें हों जो हकूक हों अल्लाह ने जो उस पर वाजिब करार दिए हैं उसकी अदायगी वो कर दे ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है अब उसके बाद नवाफिल का मसला आएगा तो मजा सा इन निकात में जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ इन निकात को मुकम्मल मैं घेर नहीं सकता लेकिन इशारात के ज़रिए मुख्तसर अंदाज़ में इन निकात को आपके सामने किसी हद तक वाजे करने की कोशिश करूँगा मुजह साज्रीन घरों में अल्लाह की इबादत घरों में अल्लाह का जिक्र अल्लाह पर मुकम्मल ईमान अल्लाह से मुकम्मल गहरा ताल्लुक़ घरों में जितना होगा अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा सुकून उस घर पे नाजिल करेंगे घर के अफराद पे नाजिल करेंगे जैसा कि वो हदीस आपको पता होगी मसलुल ला वल कि वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता उसकी मिसाल वैसे जैसे कोई जिंदा और मुर्दा हो जिन घरों में अल्लाह का जिक्र है वो जिंदा घर हैं और जिन घरों में अल्लाह का जिक्र ना हो वो मुर्दा घर हैं तो घरों घरों की आबादी घरों की खुशगवारी घरों का सुकून घरों की नेमतें अल्लाह के जिक्र से मिलती हैं अल्लाह की याद से मिलती हैं इसीलिए नबी करीमत सलाम ने फरमाया लुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ घरों में नमाज कायम किया करो अल्लाह के नबी सुन्नतों की पाबंदी घर में किया करते नबी करीम ने यह भी कहा कि किसी भी मर्द आदमी की नमाज फर्ज नमाज को छोड़ करके सबसे अफजल यह है कि वो घर में अदा करे सिवाय फर्ज के फर्ज मस्जिद में अदा करे बाकी नमाज घर में उसे अदा करने चाहिए यह सबसे अफजल तरीका है औरतें घरों में नमाज पढ़े अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी भी औरत की नमाज उसके घर में बल्कि घर के अंदरूनी हिस्से में ज्यादा अफजल ज्यादा बेहतर है और जब कोई बंदा घर आए असलम वरह बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के सलामती भेजते हुए घर में दाखिल हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिस घर में बंदा सलाम करके दाखिल हो अल्लाह का नाम लेकर के दाखिल हो शैतान उस घर में पनाह नहीं पाता वरना शैतान चाहता है कि इंसान के साथ घर में दाखिल हो जाए उसे रात गुजारने का कोई ठिकाना मिल जाए और जब बंदा बगैर सलाम के बगैर अल्लाह के नाम के घर में चला जाए तो शैतान घरों में दाखिल हो जाते हैं और घरों में जिक्र के हलकात हों कुरान सुन्नत की तालीम और तालुम के हलकात होने चाहिए घर का बड़ा लेकर के अपने आ, छोटों को बैठे कुछ खैर की बात बताए कुछ भली बात बताए या कमस कम अज़ कम कुरान मजीद की तिलावत से बुलंद घरों में होने चाहिए और अगर आप याद रखें तो याद होगा आपको कि हमारे बाप दादा के ज़माने में ये बात आम थी कि सुबह के अवात हो कि शाम के अवात हो हमारे दादा हों के नाना हों या वालिदैन हों अपने अपने घरों में तिलावत का अहमाम किया करते घर अल्लाह के कलाम की आवाज़ से गूंजा करते थे ऐसे घरों में सुकून आता है ऐसे घर खुशगवार बनते हैं बल्कि नबी करीम ने यह भी कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को रात में तहज्जुद की नमाज के लिए जगाए न जागे तो पानी छिड़क करके उठाए तो अल्लाह उस मद्दी पर रहम फरमाए जो पानी छिड़क करके अपने शौहर को उठाती है नमाज के लिए और उसी तरीके से यह भी है कि अगर कोई शौहर बीवी को पानी छिड़क करके तहज्जुद की नमाज के लिए उठाए तो अल्लाह रहम फरमाए उस आदमी पे तो ये इस बात का पता देता है कि घरों में नमाजों का अहतमाम हो घरों में तहजद का अहतमाम हो और इसी तरीके से नबी करीम सलतम ने जो अपने घरेलू सुन्नतें अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से बयान की। जिसका खसूसी तौर पर तस्करा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया की आयतें जो पढ़ी जाती हैं और सुन्नत की बातें जो बयान की जाती हैं उसको लोगों तक पहुंचाओ तो घरों में तालीम तलम का माहौल हो घरों को एक दीनी माहौल दें जिस घर में दीनी माहौल होगा वहां पर अल्लाह ताली यकीनी तौर पर याद रखें रहमतें बरकतें नाजिल करेगा और जहां रहमतें बरकतें नाजिल होंगी वो बड़ा ही खुशगवार घर बन जाता है इसी पर मैं इक्तफ़ा करूंगा। दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं कि देखिए किसी घर को खुशगवार बनाने के लिए किसी घर को बेहतर बनाने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि उस घर को अल्लाह ताला की नाफरमानियों से पाक रखने की कोशिश करें इस बात की कोशिश हो कि अल्लाह ताला की वहां पर कोई नाफरमानी ना हो वहां पर अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम न किए जाए वहां पर शैतान को लाने वाले काम न किए जाए मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर घरों में मौसीकी ना बजे घरों में म्यूजिक ना बजे घरों में महरम और गैर महरम का इख्तलात ना हो इंटरमिंगलिंग ना हो घरों में नंगापन ना हो ये वो चीजें हैं जो घर के माहौल को बिगाड़ देती हैं घर के रहने वाले के अखलाक को बिगाड़ देती हैं मजर साजरीन घर वालों को इसका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए खसूसी तौर पर घर के जिम्मेदार और घर बनता किससे शौहर बीवी और उनके बच्चों से खानदान बढ़ता जाए तो उनकी बहुएं आएँगी उनके पोते आएंगे उनके नवासे आएंगे घर ऐसे ही बढ़ता जाता है भाई बहन की बीवियाँ होंगी तो मोजर हाजरीन जो घर के बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि घर की तरफ वो मुकम्मल नजर रखे कि घर में कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला काम ना किया जाए घर में अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम ना किया जाए मोजत हाजरीन अब्दुल्लाबन मसरूद रजी अल्लाह तु अपनी बीवी के गले में अपनी बीवी के बदन पर कोई धागा देगा तो उसे खींच करके निकाला कहा कि इब्ने मसूद के घर में ये गलत काम कभी नहीं हो सकता तो इसे क्या पता चला कि घर के माहौल का घर में होने वाली नाफरमानियों पर घर के आदमी की घर के बड़ों की चाहे मर्द हो कि औरत हो उनकी नज़र होनी चाहिए और मोजा सा इसी तरीके से घरों में जैसे शैतान घुस आते हैं बिस्मिल्लाह कहकर के बंदा खाना खा ले तो शैतान को खाना नसीब नहीं होता और अगर वही बंदा बिस्मिल्लाह बोले बगैर खा ले तो शैतान भी साथ खाने लगता है टहरकर कर बंदा पानी ना पिए अगर ठहर कर बंदा पानी पी ले तो शैतान उसके साथ मुंह डालकर पानी पी लेता है और इसी तरीके से इसराफ करना फजूल खर्ची करना खाने को ज़ाय करना गिरे हुए खाने को ना उठाना उसको वैसे ही छोड़ देना फेंक देना ये वो चीजें हैं जो शरीयत की नाफरमानी है नबी करीम तो सलातम ने फरमाया कि अगर कोई निवाला गिर जाए उसे उठा लो कुछ लगाओ हटा दो फूंक लो उसे खा लो शैतान के लिए ना छोड़ो और इसराफ करने से अल्लाह के नबी ने रोका कि इसराफ ना करो क्योंकि इसराफ़ करने वाले शयातीन के भाई हुआ करते हैं इन तमाम का ख्याल बंदों को होना चाहिए घर वालों की जिम्मेदारी है कि घर को अल्लाह ताला की नाफरमानी से महफूज रखें और हर वो काम जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाला है घर की फजा को मुकदर करने वाला है घर में आई हुई रहमतों को रद्द करने वाला है घर में आ, घर में मुसीबतें लाने वाले काम हैं इन तमाम कामों से बंदा परहेज करे अपने आप को अपने घर को बचाए रखने की कोशिश करे और मोसा सान आजकल के अपने दौर में जो चीज बड़ी आ, आम है जो वबा के तौर पर हमारे घरों में फैल चुकी है वह इंटरनेट का इस्तेमाल इंटरनेट के इस्तेमाल से ऐसी बुराइयां घरों में जन्म लेने लगी हैं के बाप माँ अपने कमरे में सोए हुए हो और पता ना हो कि उनके बेटे या उनकी बेटियां अपने कमरों में क्या गुल खिला रहे हैं उन्हें पता ना हो कि वो किस किस्म की तस्वीरें देख रहे हैं किस किस्म के फिल्म देख रहे हैं किस किस्म की मौसी सुन रहे हैं ये जिम्मेदारी है वालिदैन की ये जिम्मेदारी है वालिदैन की है कि अपने घरों को बिगाड़ने से बचाए रखें वरना कभी वो खुशगवार घर की उम्मीद ना रखें और मौजाद घर के मर्दों की जिम्मेदारी है कि घर की औरतों में अगर कोई चाल चलन में कोई गलत चीज़ देखे तो फौरी वहाँ पर शक करें तंबीह करें तहकीक करें सुधारने की कोशिश करें और जहाँ पर उन्हें लगे कि यहाँ कोई गलत हो रहा है गलती के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं गलती की निशानियाँ ज़ाहिर होने लगी हैं लड़के या लड़की के चाल चलन में उसके उठने बैठने में उसकी खलवतों में कुछ गलत चीज़ें होने लगी हैं तो ऐसी सूरत में बाप की जिम्मेदारी है बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखे और अगर वो ख्याल ना रखे तो वो भी गुनहगार होगा शरीयत ने उसको दयूस के नाम से पुकारा है शरीयत ने उसको दयूस का नाम दिया है यानी जो घरों में अपनी औरतों के दरमियान बुराइयों को देख करके खामोशी इख्तियार करे ऐसे लोग जन्नत नहीं जाएंगे जो जन्नत नहीं जाएगा उसका घर कब खुशगवार घर बनेगा कब रहमतों बरकतों वाला घर बनेगा और मजद्रीन जैसे मैंने कहा कि मैं इशारात करते चलूंगा तफसील का वक्त नहीं है तफसील नहीं बता सकता कि खुशगवार घरेलू जिंदगी घरेलू कैसे हो सकती है एक और चीज जिसका ख्याल रखना चाहिए यह मियाँ बीवी से मुतक है कि बीवियां अपने शोहरों के सामने दूसरी औरतों की तस्करे ना करें दूसरी औरतों की सिफात बयान ना करें इससे मन में उसके दिल में उसके ख्याल में बिगाड़ पैदा हो सकता है इसी तरीके से शोहर दूसरी औरतों के तस्करे ना करें या फिर वो अपने शोहर का मुकारना मुआजना किसी और मर्द से करने लगे या वो अपनी बीवी का मुकारना उसका मुआजना किसी और से करने लगे ये तमाम चीजें घरों में बिगाड़ पैदा कराती हैं घरों के अच्छे माहौल को बिगाड़ देती हैं और इसी तरीके से घरों में जान ला की नाफरमानियों से घरों को महफूज रखना चाहिए झूठ हो गाली गलोज हो बदजबानी हो गलत किस्म के मामलात हो गीबत हो बोहतान हो इन तमाम से घरों को पाक रखें वरना आपकी औलाद उसी पर तरबियत पाएगी बाप झूठा होगा तो बेटा दस नंबर झूठ बोलेगा आगे बढ़ करके झूठ बोलेगा अपने औला अपने वालदेन को वो अगर गलत हरकतों में देखेगा तो दस कदम वो आगे बढ़ के गलत हरकतें करेगा तो इससे बंदा परहेज करे और नाऊज़ बिल्ला हमारे घरों में की बतात है धड़ल्ले से की जाती हैं हमारे घरों में मिलकर बैठ करके सब किसी और की कीमत करते हैं अब आप ऐसे घरों में जहां पर की जाती हो किस खुशगवारी की उम्मीद रखें किन रहमतों की उम्मीद रखें कि जहां पर गीबतें उनकी मजलिसों का एक हिस्सा बन चुकी हो और मोसा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज की पाबंदी जो करवाई जाती है नमाज के अवकात में बंदे को आप सोते हुए देखें औलाद को आप सोते हुए देखें तो जगाए उसको बीवी को जगाए बीवी शोहर को जगाए औलाद वाले को जगाए वाले औलाद को जगाए भाई भाई को जगाए नमाज जैसी नाफरमानी अपने घरों में बर्दाश्त न की जाए नमाज छोड़ने वाली नाफरमानी कभी अपने घरों में बर्दाश्त न की जाए रहमतें उड़ जाती हैं बरकतें निकल जाती है बल्कि नबी करीम, करीम तो वसलाम ने ऐसे घरों को जलाने की तमन्ना का इजहार किया कहा मेरा दिल तो चाहता है कि किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ वो नमाज यहाँ पे बात शुरू करे और मैं जाऊं जा लकड़ियां जमाऊ जमा करके उन घरों को जला दू जिन घरों में लोग नमाज छोड़ करके बैठे हुए हैं सोए हुए हैं तो मजहरी नमाज जब बाजमात मर्दों पे फर्ज है तो घरों में नहीं रुका जाता घर वालों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसी तरीके से तीसरा और पॉइंट जिसे घरेलू जिंदगी में एक सुकून आ सकता है वो ये है कि आप ये मत सोचें कि आपके घर में जितना सामान ज्यादा होगा आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आपका घर उतना ही खुशगवार है ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है मालदारी माल से नहीं होती है मालदारी घर के साजो सामान से नहीं होती है मालदारी दिलों की कनात पसंदी से होती है मालदारी दिलों के सुकून से होती है आप अल्लाह की तकदीर से राजी रहें जितना आपको मिला है जो आपको मिला है जिस तरीके से आपको मिला है हलाल तरीक़े की आप फिक्र करें उसको आप लें उस पर ख़ुशी का इज़हार करें उस पर इत्मीनान का इजहार करें उस पर अल्लाह के शुक्रगुजार होकर के रहें तब आपके घर में शादत मंदी आएगी तब आपके घर पे सुकून आएगा तब आपका घर एक खुशगवार घर बनेगा वरना होता यह है कि आमतौर पर इसमें मर्द हो के औरत सब इसमें शामिल होने लगे अगर चाहे औरतों का कुछ हिस्सा इसमें ज्यादा कहा जाता है के दूसरों के घरों को देख करके दूसरों की नेमतों को देख करके जिनको अल्लाह ने इनसे ज्यादा दिया है अपनी नेमतों को कम समझना अपनी नेमतों को छोटा समझना ये एक बहुत बुरी बला है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो आम है बहुत बड़ी मुसीबत है जो आम है तो मोहरीन अल्लाह ने जो दिया है उस पर आप कनात पसंद रहें आप सबसे बड़े मालदार हैं नबी करीम ने फरमाया तकुन अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उससे तुम खुश रहो राजी रहो तुम सबसे बड़े मालदार हो तुम सबसे बड़े मालदार हो और अल्लाह के रबी ने क्या कहा कि देखो माल बढ़ जाए पैसे ज्यादा हो जाए सामान ज्यादा हो जाए ये मालदारी नहीं होती मालदारी होती ये है कि आपके नफ्स में कनात हो आपको अल्लाह ने जो दिया हो उस पर अल्लाह के आप शुक्र हो हों और यह उस वक्त होगा जब दुनियावी मामलात में आप नजर अपने से नीचे वालों पर रखें जिसको कम पैसा मिला है जिसको कम सहूलतें मिली है जिसका घर छोटा है जिसकी सवारी छोटी है उसको आप देखेंगे तो अल्लाह के शुक्र में आपके हाथ उठ जाएंगे कि अल्लाह तूने तो बहुत मुझे दिया है और उसके मुकाबले बंदा अपने से ऊपर वालों को देखे अपने से मालदारों को देखे अपने से बड़े घर को देखे अपनी सवारी से बड़ी सवारी को देखे तो शिकायतों में रहेगा शिकायतें करता रहेगा ना शुक्रिया उसके अंदर पैदा होगी अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने उसे दिए कम महसूस करेगा अब वो कहाँ की शुक्रगुजारी पाएगा वो कहाँ खुशगवारी अपने घर में पाएगा तो मज्जा साजरीन खुशगवारी जिन चीज़ों से पाई जाती है या खुशगवारी के जो इसबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब यह है कि अल्लाह ने जो आपके हक में रखा हो अल्लाह ने जो तकदीर आपको दी हो उससे आप खुश रहें जैसी आपको बीवी मिली हो उसी में आप अपनी इज्जतों को तलाश करें जैसे आपको शोहर मिला हो उसी में अपनी पागदमी को तलाश करें जैसी आपको औलाद मिली हो उसी पर आप खुश रहें उसी की तरबियत में आप लगे रहें जैसा आपको सासु सामान मिला हो उसी के जायज इस्तेमाल की तरफ आप लगे रहें तो आप एक खुशगवार घर पा सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं नेमत है घर का, का साया एक नेमत है तो ऐसी नेमतों का सवाल अल्लाह करेगा आपको जवाब देना पड़ेगा तो मजरीन ये गलतफहमी फहमी अपने दिलों से निकालें अपने निकाले, खुशगवारी पैसों से पैदा होती है सहूलतों से पैदा होती है आसानियों से पैदा होती है नहीं खुशगवारी पैदा होती है तो यकीनी तौर पर आपका नफ्स जितना होगा, आप, जितने पसंद होगे, आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको खुशगवार जिंदगी नसीब करते हैं अल्लाह के नबी के घर को देखिए असवाज मुतहरा कहती हैं कि कई कई दिन गुजर जाते आपके घर का चूल्हा न से लगता बल्कि माई आयशा सिद्दीका ना कहती हैं कि हमने एक चांद देखा महीना गुजर गया एक और चांद देखा महीना गुजर गया एक और चांद देखा तीन तीन चांद देख लेते घर में कुछ ना सुलगता घर में कुछ ना पकता सिवाय पानी और खजूर के गुजारे के लिए कुछ ना होता अब आप देखें अल्लाह के नबी के घर आने से कोई और घराना खुशगवार हो सकता है अगर खुशगवारी मालूमता से खाने पीने के सामान से होती तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के घर को अल्लाह के नबी के घर को मालूमता से माला माल कर देता लेकिन अल्लाह के नबी आ सला तो सलाम वो हैं जो कभी सुबह अपने घर पहुँचते हैं बीवियों से पूछते हैं खाने के लिए कुछ है अगर कहती कि कुछ है तो कहते कि लाओ खा लो अगर कहते कि कुछ नहीं है तो कहते मैं आज रोज़ा रह जाऊँगा मोसरीन घरों की शादतमंदी घरों की खुशगवारी मैं खूसी तौर पर अपनी बहनों से खिताब करके कहूँगा मैं अपनी बहनों से खिताब करके कहूंगा कि वो कनात पसंद रहें अपने शोहर को जितना माल मिला हो जितनी कमाई उसकी हो जितनी उसकी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं उससे ज्यादा अपने शोहर को तंग ना करें उससे ज्यादा शोहर का मुतालबा ना करें उसे उस ज्यादा शोहर से तमन्नाएं ना रखें बल्कि जो शोहर दे उस पर आप खुश रहें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशगवार कर देता है वरना याद रखें अल्लाह या ताला का कानून है कि नेक लोगों की बीवियां औरतें उसी वक्त बन सकती हैं जब उनके अंदर शुक्रगुजारी हो वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के नाशुक्री बीवी को तलाक़ देने का हुक्म दिया तो इस्माइल सलाम ने उसको तलाक दे दी अपने घराने से निकाल दिया और इसी तरीके से मोजेन अल्लाह के नबी की दुआ क्या थी

फातिमा अल्लाह के नबी से काम करते करते मेरे हाथ पे जख्म आ चुके हैं काम करते करते मैं थक चुकी हूं कोई गुलाम दे दे कोई लौंडी दे दे नबी करीम अपनी लखर अपनी लखते जिगर फातिमा रज से कहते हैं कि मैं इससे बेहतर तुम्हें बात बताता हूँ। अपने कामों में लगी रहो लेकिन जब रात सो जाओ तो सोने से पहले सुबहान अल्लाहिला अकबर तैतीस तैतीस और चौंतीस मरतबा पढ़ लो तैतीस तैतीस और चौंतीस मरतबा पढ़ लो ये तुम्हारे लिए खादि से कहीं ज्यादा बेहतर है यह तुम्हारे लिए खादि से कहीं ज्यादा बेहतर है यह खुशगवार जिंदगी यह नहमतों वाली जिंदगी और मौजाज अगर आप सुकून चाहते हैं अगर आप खुशगवार घराना चाहते हैं तो अपने अंदर कनात पसंदी पैदा करने की कोशिश करें और इसी तरीके से घरेलू ज़िंदगी की खुशगवारी के लिए चौथा पॉइंट ये है कि घर में जो अफराद होते हैं वो तमाम के तमाम एक मकाम व मरतबे के नहीं होते उनमें कोई बड़ा तो कोई छोटा होता है कोई मर्द तो कोई औरत है हर एक को अपने हदूद क्यूद पहचानने चाहिए अपने हदूद में वो रहे अपने हदूद के अतबार से वो मामल करे और अपनी उम्र के हिसाब से अपने मंजिलत के हिसाब से अपने रिश्ते के हिसाब से वो मामला करे तो मामला बिल्कुल संभले हुए रहते हैं छोटों को इस बात का हुक्म है कि वो बड़ों के साथ बेहतर सलूक करें बीवी को हुक्म है कि शोहर की इतात करे वालदान को हुक्म है कि वह अपने बच्चों के साथ बेहतर मामला करें तरबियत का ख्याल रखें औलाद का हुक्म है कि वो अपने वाले की ख़िदमत करें उनकी इतात करें उनकी बात सुने इन तमाम का बंदों को ख्याल रखना चाहिए और मर्दों को इस बात का हुक्म दिया गया कि वो औरतों का ख्याल रखें क्योंकि औरतें कमजोर पैदा हुई हैं जिन घरों में ये हुकूक मारे जाते हैं जिन घरों में यकसानियत नहीं होती जिन घरों में इन तमाम हकूक़ से हट करके सबको को एक नज़र से देखा जाता है सबको को एक नज़र से देखा जाता है तो वहाँ पर आम तौर पर मामला बिगड़ जाते हैं खुशगवारी ख़त्म हो जाती है माहौल में एक मुकदरपन पैदा हो जाता है रहमतें निकलते लगती हैं नहूसतें आ जाती हैं मज़द्राजरीन जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर अपनी उम्र के हिसाब से अपने कदर के हिसाब से अपनी हैसियत के हिसाब से बंदे को करना चाहिए वरना आम तौर पर यही वो जबान है यही वो ज़बान है कि जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं जिसकी वजह से आम तौर पर घरों में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं भाई भाई से लड़ लेता है मियाँ बीवी में इतराफात पैदा हो जाते हैं औलाद और वालदे में वो रिश्ते बाकी नहीं रह जाते इन तमाम का ख्याल रखते हुए बंदे को चाहिए कि अपनी हद को और अपनी और मकाम को पहचान करके उसी एतबार से सलूक करें छोटा मुँह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए छोटा मुँह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए और अगर कुछ हो जाए ऐसे तो सब्र के साथ बेहतर अंदाज से उसे मामला निमटना चाहिए ये चीज़ें जहाँ पर घर पर होंगी तो अल्लाह ताला घरों में खुशगवारी पैदा करेंगे वहीं पर पाँचवीं चीज़ या पाँचवा पॉइंट जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के लिए कि देखें घर आपसी एहतराम से बनते हैं एक दूसरे से महब्बत से बनते हैं एक दूसरे की कदरदानी से बनते हैं एक दूसरे पर रहम वाले सलूक से बनते हैं एक दूसरे के साथ हसन जन से बनते हैं शोहर बीवी के साथ महब्बत का इजहार करे बीवी शोहर से महब्बत का इजहार करे नबी करीम अलैहिस्सलाम आयशा सिद्दीक रजील्ला प्यार से आयश कहा करते हमारा कहा करते ये नबी करीम इसम का इजहार महबत था और इजहार महब्बत ये भी कि नबी करीम इसत वसलाम ने माई खदीज़ा रजी अल्लाह त का बकसरत तस्करा किया उनके इंतकाल के बाद भी आप उनको बहुत याद किया करते थे और महब्बत का इजहार ये भी था कि नबी करीम इसत तो वसलाम प्याले में उस जगह से पानी पीते जिस जगह से आयशा ने अपने होठ लगा के पानी पिए हों ये एक महब्बत का इजहार है और इसी तरीके से नबी करीम सलात वसलाम की सुन्नत में कई ऐसे हमें वाकयात मिलते हैं कि अल्लाह के नबी आसमाम ने घर के अंदर एक महब्बत भरा माहौल पैदा करने की कोशिश की है महब्बत भरा माहौल पैदा करने की कोशिश की है अल्लाह के नबी आ सलात साम के जब नवासे आ गए उनकी महब्बत की अपनी एक उसी मिसाल सवाल है अल्लाह के नबी हसन हुसैन को बहुत ज़्यादा चाहते थे कहीं से आते तो फौरन हसन हुसैन को बुलाते उनको अपने करीब करते उनको चूमते उनको सूंघते और कहते कि ये में ज, में ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मोजा हाजरीन नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा हजरत अली को हजरत फातिमा को हुसैन को हसन को इन तमाम को एक चादर में लपेटते कहते अल्ला अहल अल्लाह ये मेरे अपने घराने के लोग हैं ये मेरे अपने घराने के लोग हैं जैसे आपकी बीवियाँ अहल बैत हैं वैसे अली और उनका घराना भी अहल बैत है तो मजदूर आपसी अहतराम महब्बत ये घरों को बनाता है ये घरों को बनाता है अल्लाह के नबी आलम ने अपनी बेटी से महब्बत का ऐसे इजहार किया का फातिमा तो बज़ातमनी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है यह मा राबा वो युदीनी मा आजाहा जो उसको अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है जो उसे बुरा लगे वो मुझे बुरा लगता है तो मजद साजरीन महब्बत का एक माहौल घरों में बनना चाहिए शिकायतें कम होंसने जन हो अगर किसी से कोई बात हो जाए उसको हसन ज़न पे महमूल करें उसको अच्छा माना पहनाने की कोशिश करें अच्छे अंदाज से उसे लें अच्छे माने को अच्छे माने पर उसको महमूल करें तो अख्तलाफात खत्म हो जाएंगे मामला बेहतर अंदाज से निमटते रहेंगे और मजा साजरीन ये भी याद रखें कि घर वालों को एक दूसरे से करीब होना चाहिए एक दूसरे की खैरियतों को दरियात करना चाहिए एक दूसरे से खैर व खैर के मामला करने चाहिए वरना क्या होगा बदन की दूरी दिलों की दूरी का सबब बनती है बदन की दूरी दिलों की दूरी का सबब बनती है हर कोई इतना मशगूल है कि किसी भाई को अपने भाई के लिए देने कुछ वक्त नहीं है माँ बाप को अपने बेटों के लिए देने वक्त नहीं है औलाद का इतना इतनी मसरूफियत है इतनी पढ़ाई है कि वालिदैन की खिदमत का उनके पास मौका नहीं है वालिदैन के साथ बैठ करके दो बात करने का उनको वक्त नहीं मिलता ऐसे घरों में खुशगवारी नहीं आती है ऐसे घरों में खुशगवारी नहीं आती है घरों में बंदों को आपस में एक दूसरे से करीब से करीब होने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से मोहब्बतें पैदा होती हैं बदनों की नज़दीकियां दिलों की नज़दीकियों का सबब बनती हैं तो मजा ये पांचवा पॉइंट ये था कि आप महब्बत एहतराम एक दूसरे का एक दूसरे के साथ महब्बत उल्फत एक दूसरे पर रहम एक दूसरे से हुसन जन ये घरों की असलाह की बुनियादों में से एक बुनियाद है एक और चीज़ जो छठी चीज़ है छठा पॉइंट है कि देखें इंसान है ऊँच नीच होगी किसी से कुछ किसी से कुछ हो जाता है तो ऐसे हालात में दरगुजर से काम लेना दरगुजर कर देना मुआफ कर देना नरमी से उसके मामले को हल करने की कोशिश करना मामलात में नरमी पैदा करना जबान में नरमी रखना सलूक में नरमी रखना ये घरों को बनाने का एक बेहतरीन सबब है इससे घर बनते हैं इससे घर बनते हैं याद रखें नबी करीम सला वसलाम आपने भी जिंदगी गुजारी कहते हैं अजवाज तहारा कहती है कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया कभी किसी किसी गुलाम पे हाथ नहीं उठाया और नबी करीम इसम तो नरम मिजाज थे नरमी से मामले को करते मालिक कर अल्लाह दस साल अल्लाह के नबी की, की खिदमत की कहते हैं कि पूरे दस सालों में कभी आपने मुझे उफ नहीं कहा कोई काम मैंने ना किया हो तो यह नहीं कहा कि तुमने क्यों नहीं किया और कोई काम मैंने कर दिया हो तो कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया ये नबी करीमला तो सलाम के दरगुजर का मामला है अल्लाह के नबी दरगुजर किया करते थे तो शोहर बीवी से दरगुजर करे बीवी शोहर से दरगुजर करे हकूक की अदायगी की पूरी कोशिश होनी चाहिए अगर ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर से काम लें चश्मपोशी से काम लें अनधेखी करें दरगुजर करें मुआजा ना करें पकड़ ना करें अल्लाह ताला हमसे वही मामला करेगा अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करेगा देखें नबी करीम सलातम ने एक मरतबा मेहमानों की मौजूदगी में हरत आयशा के एक अमल पर रजी अल्लाह आपने सब्र तहमुल से काम लिया नर्म मामले से काम लिया एक खादमत बर्तन लेकर के आई जिसमें कुछ बना हुआ था बारी हरत आयशा की थी बना करके किसी और ने भेज दिया गुस्से में आ गई तेज में आ गई बर्तन मार के तोड़ दिया अल्लाह के नबी झुक करके बर्तन के टूटे टुकड़े उठाने लगे खाना जमाने लगे और कहने लगे गारत उम्मकुम, गारत उम्मकुम, तुम्हारी माँ को जो सौखन का जलन होती है वो आ गई है जिस वजह से गुस्सा आकर के उसने हरकत की है अल्लाह के नबी ने उसका कोई मुआजा नहीं किया माई आयशा सिद्दीका अल्लाह के रबी ने कोई मुआखदा नहीं किया बल्कि अल्लाह के रबी कहते हैं कि देखो मामले में नरमी होगी तो मामला बेहतर से बेहतर हो जाता है और जिस मामले में सख्ती आ जाती है वो मामले बिगड़ जाते हैं तो घर जो कि एक बनने का मसला है जहां पर इंसान को आकर के सुकून और इतमान हासिल करना चाहिए अगर वहां पर उसे सुकून न मिले वहां पर इख्तलाफा हो वहां पर सख्ती हो वहां पर सख्त मामला हो वहां पर सख्त मुहासबा हो गर्दन पकड़ के बंदा पूछने लगे तो ऐसे हालात में दरगुजर से काम न लिया जाए तो घरों में खुशगवारी पैदा नहीं होती दरगुजर से काम लें अनदेखी से काम लें हां अगर शरीयत की मुखालफत में काम हो नसीहत करें समझाएं जरूर बताएं जरूर एक से चार मरतबा बोलें जरूर यकीनन लेकिन दुनियावी मामलात में जहां तक हो सके दरगुजर से काम लें अल्लाह आपसे दरगुजर से काम लेगा और मोसन कभी होता यह है कि बीवी से कोई गलती हो जाए बीवी से कोई ऊँचनीस हो जाए तो अल्लाह करीबी कहते हैं कि ला या फ्रोम कोई मर्द किसी औरत की आयब का तस्करा ना करे उस पर आयब ना लगाए कोई मर्द किसी औरत पर आयब ना लगाए हो सकता उसके ये अखलाक में कोई बुराई हो दूसरे अखलाक अच्छे होंगे जो इसे पसंद आ जाएंगे दूसरे कुछ बेहतर अखलाक होंगे जो इसे पसंद आ जाएंगे और कभी बुरा कहना बदसूरत कहना इससे परहेज़ करने की खास तौर पर अल्लाह के रबी ने तालीम दी है हाँ देखिए घर है, हैं मामले कभी उलझ जाते हैं तो ऐसे हालात में मामले को संभालने के लिए अल्लाह के हुक्म का घर वालों को ख्याल रखना चाहिए फ़िन तनाज़ात फीशन फ़र उद्दू व रसूल कि अगर किसी मसले में इतराफ पैदा हो जाए तो किताब सुन्नत से उसका हल तलाश करो कोई अपनी मनमानी ना चलाए कोई अपनी दादागिरी ना बताए घर पे कोई बड़ा हो तो ये समझे कि मेरी ही बात चलनी चाहिए जिद में आ जाए बेटा जिद करने लगे बीवी जिद करने लगे शोहर जिद करने लगे दादा जिद करने लगे ये अच्छी बात नहीं है हाँ मामले में कुछ इख्तलाफ पैदा हो तो जाए कन्ना कुरान सुन्नत को उठा करके देखें देख करके उसमें जो हल हो उस हल को तलाश किया जाए और उस हल के मिल जाने के बाद बंदा उस हल पे राजी हो जाए तमाम घर वाले उस हल पे मुतफिक हो जाए इस तरीके से घर में पैदा होने वाले इख्तलाफ को रोका जा सकता है बचाया जा सकता है और मौजाज घरों के सुधार में एक बड़ी चीज़ ये भी है कि घर में छोटे बड़े जो होते हैं बड़ों को छोटों पर शफक़त का मामला करना चाहिए और छोटों को बड़ों का एहतराम करना चाहिए और इसी तरीके से घर के कामों में आपस में ताउन आपस में एक दूसरे की मदद ये याद रखें घर को बनाती है घरों में रहमतों का सबब बनती है नबी करीम सलासमाम ने कहा ममह सकीा वलमिर कबीरना वलम समन्ना जो 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 अपने छोटों पर रहम ना करे जो अपने बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से है ही नहीं उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है तो मजदान की इतात औलाद पर फर्ज है औलाद वालेन को उफ ना कहें वाल की मुकम्मल इतात करें हाँ अगर वह शिरक करने का हुक्म दें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें तो वो ना माने वो ना कबूल करें लेकिन उसको छोड़ करके बाकी तमाम चीजों में वालदेन की खिदमत करना ये औलाद का फर्ज है और बीवी का यह फर्ज है कि शहर की इताअत करे, शहर की बात माने जब तक कि वो शरीयत की मुखालफत का कोई हुक्म ना दे ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे हमारी औरतों का ख्याल है कि हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई शहर की बात होगी तो उसे मानेंगे हमारी मर्जी के खिलाफ बात जाए तो हम उस शोहर की बात को रद्द कर देंगे ऐसी बात नहीं है बल्कि हर हालत में आपको शहर की इतात करनी चाहिए जिससे क्या होता है कि घर बनता है घर में एक खुशगवारी और घर में एक बेहतर माहौल पैदा होता है और इसी तरीके से छोटा अपने बड़ों को नाराज करने वाले काम ना करे नाराज करने वाले काम ना करे और एक और चीज जो ख्याल रखनी चाहिए घरों में हो तो घरों में हाथ बटाएं ये किसी के मर्द की मर्दानगी में कमी लाने वाला अमल नहीं है कि वो अपनी बीवी के काम में हाथ बटा दे अल्लाह के नबी बीवी के काम में हाथ बटाया करते कभी घर साफ कर लेते कभी अपने जूते सी लेते कभी अपने कपड़े सुधार लेते घर के काम में अल्लाह के नबी लगे रहते थे अपनी बीवियों की मदद में आप लगे रहते ये भी एक सुन्नत है ये भी एक सुन्नत है जो हम लोगों को करनी चाहिए ऐसे नहीं कि जो कर रहा उसी पे छोड़ दें, वही अकेला थकता रहे वही अकेला काम करता रहे नहीं बल्कि सब मिल करके बांट करके इस काम को करें और इसी तरीके से घरों की बेहतरी में इस बात का भी ख्याल हो कि घरों में मेहमानों का एक हिस्सा होता है अल्लाह के बी आल ने कहा कि घर में जो बिस्तर तैयार किए जाते हैं एक अपना बिस्तर एक अपनी बीवी का बिस्तर एक अपनी औलाद का बिस्तर एक और बिस्तर जिसकी इजाफे की इजाजत है वह है मेहमान का बिस्तर अब उससे ज्यादा बिस्तर होंगे तो शैतान के बिस्तर होंगे इसे ये पता चला कि मेहमान नवाजी एक हिस्सा है मेहमानों से घरों में बरकतें आती हैं मेहमान नवाजी ये उसके ईमान की एक दलील है ईमान की एक निशानी है अल्लाह के भी कहते हैं कि जिसको अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे एक मजीद बात यहाँ पे मैं कह दूँ घरों के आपसी तल्लु से कि जब बहुएं घरों में आती हैं घरों में उनकी सासें होंगी उनके ससुर होंगे शोहर के भाई बहन होंगे तो उन तमाम के साथ बेहतर मामला करना और उनका इस आई हुई बहू के साथ बेहतर मामला करना ये तमाम ऐसी चीजें जो घरों को खुशगवार बनाती हैं कोई औरत यह ना सोचे कि मुझे ताल्लुक सिर्फ अपने शोहर से किसी और से मुझे कुछ लेना देना नहीं है और घर वाले ये ना सोचें कि चलो एक औरत आई है काम करवा लें उस पर बोझ डालें उसको तकलीफ दें उससे काम निकलवा लें ऐसे नहीं होना चाहिए बल्कि हर कोई एक दूसरे का ख्याल करते हुए हर कोई एक दूसरे का ख्याल करते हुए अगर वो बेहतर मामला करेंगे तो घर बेहतर बन सकता है वरना हमारे माशरे में कई घर ऐसे हैं जो बेशुमार घर हैं जिनके मामला सास और बहू की वजह से बिगड़े हुए हैं एक तो हकीकत भी है और दूसरा हमारे माशरे का एक बना हुआ बनाया हुआ एक वहम भी है जिसकी वजह से अच्छे घर भी बर्बाद हो जाते हैं तो मजहतरीन बहू की जिम्मेदारी यह है कि वह शहर की जहाँ पर इत करेगी वहीं पर शहर के वालदे की खिदमत अखलाकन उसे करनी चाहिए अगर शोहर की वो मोहब्बत चाहती है शोहर की वो मोहब्बत चाहती है तो अपने शोहर के वाल को अपने वालिदेन तस्वूर करके उनकी खिदमत करें अल्लाह तला उससे राजी होगा जब कोई एक औरत किसी कुत्ते को पानी पिला करके जन्नत नसीब हो सकती है उसको तो कैसे शोहर के वालिदेन की खिदमत करके कोई औरत जन्नत नहीं पा सकती यह गलत फहमी को दूर करना चाहिए कई घरों में इख्त इसी सास बहू की वजह से या ससुराली रिश्तों की वजह से बिगड़ते हैं बस दिन खुशगवार ज़िंदगी के लिए खुशगवार घर के लिए इन तमाम हालात कभी बंदे को ख्याल रखना चाहिए और इसी तरीके से घरों में जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाए इसमें याद रखें आठवां पॉइंट ये है कि देखो घर घर के छोटे अपने बड़ों में कोई एक मिसाल देखना चाहते हैं घर के छोटे अपने बड़ों में कोई एक आइडल देखना चाहते हैं जिसको देख करके वो आ, उनको कॉपी करें उनसे अखलाक सीखें और औलाद की नज़र में उनके वालदे से बड़ा कोई और नहीं होता है वालिद में वो बेहतर नशानी देखना चाहते हैं बेहतर मिसाल देखना चाहते हैं बेटियाँ अपने माओ में बेहतर नशानी और बेहतर मिसाल देखना चाहती हैं तो ऐसे हालत में मर्द औरत को चाहिए कि अपने अखलाक को बेहतर बनाएं अपनी जबान को बेहतर बनाएं, अपने आप को अपने वाले अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतर उसवा बनाने की कोशिश करें तरबियत की जिम्मेदारी वालदेन की है तरबियत की जिम्मेदारी वालदेन की है इस्लामी तरबियत करने की कोशिश करें इस्लामी तरबियत करें उनको इलम से पहले अदब सिखाएं जैसा कि सलफ सालिन कहा करते थे कि कोई बंदा इल्म का एक बाब एक मसला हासिल कर ले फिर कहते हैं कि कोई बंदा अदब का एक मसला सीख ले अदब की एक बात सीख ले बेहतर है इसके मुकाबले में कि बेअदब होकर के सत्तर मसले इल्म के उसे पता हो और अदब उसके पास ना हो अखलाक उसके पास ना हो तो अखलाक की तरबियत यह वालदे की जिम्मेदारी है वालदे अपनी औलाद पर खूशी नजर रखें खूशी नजर रखें ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी सेहत का आपने ख्याल रखा खाने पीने का आपने ख्याल रखा पहनने ओढ़ने का आपने ख्याल रखा आपने उनकी संगत छोड़ दी उनके दोस्तों में उसे आज़ाद छोड़ दिया उसको दुनिया भर की नेमतें दे दी उसकी ज़बान पर कोई नजर न की उसकी सुबह शाम पर कोई नज़र न की उसकी खलवत कैसी है वो अकेले में क्या करता है उसके दोस्त कौन है किन के साथ उठता बैठता है किससे उसकी यारी है किससे उसका मिलना जुलना है अगर इस पर उनकी नज़र ना हो तो याद रखें ऐसे लोग आगे जा कर के बड़े पछताते हैं हैं, बड़े रोते हैं जबकि न पछताने का वक्त बाकी रहता है न रोने का वक्त बाकी रहता है तो मुजज हाजरीन बड़ों को चाहिए कि अपनी औलाद को ऐसा मुकम्मल आजाद भी ना कर दें कि वो मुकम्मल शरीयत से आजाद हो जाएं इस्लामी अखलाक से आजाद हो जाएं और ऐसा तंग ना करके रखें कि उस तंगी की वजह से घुट करके मर करके रह जाएं आजादी हो तो शरीयत के हुदूद में आजादी हो मौज साद्रीन इसका ख़ास तौर पर वालदेन को अपनी औलाद को लेकर के ख्याल करना चाहिए और नवा पॉइंट नवा नुक्ता कि जिसका ख़ास तौर पर बंदों को खुशगवार घर बनाने के लिए ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि देखो घर में मुख्तलिफ लोग होते हैं तो उन तमाम का ख़्याल होना चाहिए हो सकता कोई बीमार हो कोई सेहतमंद हो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कोई मर्द हो कोई औरत हो हरेक के हालात मुख्तलफ होते हैं हरेक के हालात मुख्तलफ होते हैं और बच्चों को इतनी आज़ादी हो जाए कि सिर्फ आवाज़ करते फिरें तो बड़ों को तकलीफ़ हो बड़े इतने गालिब हो जाएं कि हमेशा संजीदगी 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 बच्चे तंग होके रह जाएं, या फिर मर्दों को इतनी आज़ादी है घर में कि औरतें तंग होके रह गई हैं पर्दे के मसले उठ जाते हैं औरतें इतनी आजाद हो गई हैं कि मर्दों के लिए फितना बन चुकी हैं ये तमाम चीजें घरों में जब अपनी अपनी मकदार में अपने अपने एतबार से में रखी जाएंगी हर एक को उसके लिए एक बेहतर माहौल अदा किया जाएगा घर बेहतर अंदाज से चल सकता है बात करनी हो तो नीचे आवाज में बात करें बाज मरतबा फहश बातें बाद लोगों की जबाने गंदी होती हैं इतनी जोर जोर से घर पर बात करें कि घर का हर फर्द सुने ये दुरुस्त नहीं है किसके सामने कौन सी बात कही जाती है हर बात बच्चों से नहीं कही जाती हर बात औरतों से नहीं कही जाती हर बात बुजुर्गों से नहीं कही जाती बास बातें होती हैं जो कही जाती हैं बास बातें होती हैं जो छुपाई जाती हैं माहौल को बनाने के लिए फहाशी को रोकने के लिए इन तमाम का घरों में जब तक ख्याल ना हो तब तक याद रखें मामला बिगड़ते रहते हैं नए नए शादीशुदा जोड़ा हो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार सबके सामने वो करें घर के बिल्कुल लिविंग रूम में बैठ करके गलत हरकतें करने लगे पूरा घर मुतासर होता है पूरा घर मुतासर होता है घर में अखलाक बिगड़ते हैं घर में गलतियां पैदा होती हैं इसका ख्याल रखना चाहिए और अगर कोई बेपर्दा औरत घर पे आ जाए वो बेपर्दा पूरे घर पे घूमती रहे हर रूम में आती जाती रहे ये भी गलत चीज़ है इसी तरीके से सलाम ने शोहर के भाइयों के, के तल से कहा कि वो तुम्हारे लिए मौत के बराबर है, हलाकत के बराबर है अब उसका कोई ख्याल नहीं है या घरों में कुछ चचेरे भाई खलेरे भाई फुपेरे मुमेरे भाई होते हैं उनसे कोई औरत कोई बहन ऐसे मामला करने लगे जैसे उसके अपने सके भाई हों ये तमाम गलत चीजें हैं जिसकी वजह से घरों में बिगाड़ पैदा होता है हमारे अपने घरों में कितने बिगाड़ हैं कितने अफेयर्स हैं कितनी गलतियां हैं और बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने घरों में कितने मुसलमानों के घरों में जिना होने लगे हैं इस हिजाब की बेहरमती की वजह से बहुत ज्यादा आजादी की वजह से कहाँ से खुशगवारी नसीब होगी कहाँ से घर इस्लामी घर बनेगा कहाँ पर अल्लाह की रहमतें आएंगी इसका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए अगर आप खुशगवार घर चाहते हैं इस्लामी घर चाहते हैं तो इसका आप खास तौर पे ख्याल रखें और दसवां पॉइंट जिस पर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, ये है कि देखिए हर घर में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं कुछ ना कुछ बातें होती हैं और अल्लाह के नबी ने बताया कि बिल मजलिस अमानत दार होनी चाहिए घर में जो बात होती है घर से बाहर ना जाए घर का मामला घर पे रहे घर का मामला जाकर के किसी और को सुनाना बहू जाकर के अपने मायके में सुनाए या शौहर जा कर के अपने वालिदैन को सुनाए या शौहर जा कर के अपने दोस्तों को सुनाए या बीवी जा कर के अपने सहेलियों को सुनाए अपनी बहनों को सुनाए अपनी खालाओं फूपओं को सुनाए रिश्तेदारों को सुनाए ये तमाम नाजायज काम है ये तमाम नाजायज काम है और हमारे अपने हिंदुस्तानी माशरे में बिगाड़ का एक बड़ा सबब यह है कि लड़की रहती इस घर पे है लेकिन पूरे मामला छन करके एक एक बात अपनी माँ के घर पहुंचती है और कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो घर की बात घर पे रहने नहीं देते अपने वालदे तक पहुंचाते हैं बिला जरूरत बिला किसी सब के घर लग लेने का फायदा क्या है अलग घर में रहने का फायदा क्या है जब तमाम चीजें यहाँ की वहां आपको मुंतकिल करनी ही है तमाम बातें यहाँ की वहाँ आपको सुनानी है तो वहीं जाके रह जाओ अलग घर लेने का फायदा ही क्या है देखिए अलग घर जब होता है तो बंदा कुछ आजाद होता है कुछ उसकी जबान से ऊंच नीच हो जाती है एक दूसरे को अपनी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए शौहर की जबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो बीवी के घर वालों से मुतल हो तो बीवी उससे दबाए रखे उसको नकल ना करे और बीवी के समान से निकल जाए तो शौहर उसको छुपा दे दरगुजर कर दे उसको नकल ना करे अगर ये मामला फैलते रहेंगे बिला वजह दोस्तों में जाते रहेंगे घरों में जाते रहेंगे घरों में सुकून नहीं रहेगा घरों में सुकून नहीं रहेगा घरों में इत्मीनान नहीं रहेगा तो इसका खास तौर पे ख्याल रखें कि घरों में जो चीज़ें होती हैं वो घर के साथ खास होती हैं उसको अपने भाइयों में नकल करना और उसको अपने दोस्तों में जाके सुनाना रिश्तेदारों में जाके सुनाना वालदेन को जाके सुनाना ये तमाम घरों के बिगाड़ने का एक बड़ा सबब है और आजकल चूंकि तरक्की का दौर है तो एक बड़ी बुरी बला हमारे दरमियान आ चुकी है कि कुछ भी मसला हो उसकी वीडियोग्राफी कर लें उसकी फोटोज ले लें और उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें सोशल मीडिया पर शेयर कर दें अपने घर वालों को भेज दें देखिए बाज लोगों की नजरें भी लगती हैं बाज लोगों की नजरें बद असर करती है अपनी नेमतों का इजहार हर एक पे ना करें आप अपनी नेमतों को हर एक को ना दिखाएं हो सकता है कोई हासिद हो हो सकता है कोई हसद करने वाला हो हसद भरी निगाह डाल ले तो हो सकता है आप उसके हसद का शिकार हो जाएं नियमतों से महरूम हो जाएं किसी बीमारी में उबला हो जाएं क्योंकि देखिए बाजात ये जो नजर बद होती है ये बद अच्छे अच्छे सेहतमंद इंसानों को बर्बाद कर देती है जैसा बाज आसार में आता है कि अच्छे तहतमंद ऊंट को बीमार करके उसे हांडी में डाल देती है तो नजर बद बड़ी बदतरीन चीज़ है जो कि शरीयत में नाजायज है तो ये अपने घरों के मामलत को सोशल मीडिया पर आम कर देना फोटोज को या जो भी फंक्शंस हों या जो भी मसाइल हों तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं की जरूरत के तहत हो उसी मकदार में हो जितनी ज़रूरत है तो मामला हल्का है वरना उससे बढ़ करके आप करेंगे तो ये आप अपने घर को सुकून से आप अपने घर को खुशगवारी से आप अपने घर को इत्मीनान से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मात्री ये दस पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं ये दस निकात मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो एक घर को संभालने और सुधारने खुशगवार बनाने में मुफीद साबित होंगे उनका अदादा करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह पर ईमान अल्लाह से ताल्लुक और जहाँ तक हो सके अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को तर रखना अपने घर पर अल्लाह के जिक्र को आम रखना वाजिबात की अदायगी करना शरीयत की पाबंदी करना इससे घर में खुशगवारी पैदा होती है और दूसरा यह है कि अपने घर को अल्लाह की नाफरमानियों से महफूज रखें अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले कामों से महफूज रखें और घरों को बिगाड़ने वाली नाफरमानियों से महफूज रखें इससे घर खुशगवार होते हैं और तीसरा यह है कि आप घर की खुशगवारी को यह ना समझें कि आपके पास जितना पैसा सहूलत उतना आपका खुशगवार घर है बल्कि याद रखें जहां आपके अंदर कनात पसंदी होगी शुक्रगुजारी होगी और जो आपको मिला उस पर आप जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह उतना बढ़ करके आपको देगा और अल्लाह ने जो आपको दिया उस पर आप खुशी का इजहार करें और दूसरों के मालों पर आप नजर ना डालें तो आप सुकून से खुशगवार घर पा सकते हैं और चौथी चीज यह है कि घर में चूँकि मुख्तलिफ लोग होते हैं हर एक का एक अपना अपना मकाम व मरतबा होता है हर एक को अपना मकाम व मरतबा पहचान करके अपने हदूद व्यूद पहचान करके अपनी हदों में उनको रहना चाहिए छोटा मुँह बड़ी बात ना हो हर कोई ज़बान बड़ी करके हर मसले में अपनी टांग ना अड़ाए और हर मामले में अपने आप को दाखिल ना करे हर कोई अपनी अपनी हकीकत को पहचान करके मकाम को पहचान करके उसी पर सब्र करके रहे तो इससे खुशगवार घर पैदा होते हैं और पाँचवीं बात मैंने ये बता बताई थी कि देखिए घर उस वक्त खुशगवार बनते हैं जब आपस में मोहब्बत हो एक दूसरे का एहतराम हो एक दूसरे से रहम वाला मामला करें और एक दूसरे से हुस्न जन आप करेंगे तब जा कर के घर पर मामलात बनते संवरते हैं घर में खुशगवारी पैदा होती है और छठी बात मैंने ये बताई कि चूंकि एक साथ हैं तो ऊँच नीच हो जाती है गलतियाँ हो जाती हैं दरगुजर से काम लेना माफ़ करना मामले को नरमी से निमटना और आपस में एक दूसरे से रहम का मामला करना और शरीय की रोशनी में अख्तिलाफी मामला को हल करने की कोशिश करना इससे क्या होता है कि शरीय में इससे क्या होता है कि घर में खुशगवारी पैदा होती है और इसी तरीके से सातवां पॉइंट मैंने आपके सामने ये रखा कि देखिए घरों में छोटे बड़े होते हैं तो घर में छोटों को बड़ों का एहतराम करना चाहिए बड़ों को छोटों के साथ शफकत का मामला करना चाहिए और हर कोई छोटे बड़े मिल करके घर में आपस में एक दूसरे का तान करें एक दूसरे की मदद करें और इसी तरीके से मेहमान नवाजी ये घरों में रहमतें बरकतें लाने का एक सबब बनती है इसका ख़ास तौर पे ख्याल हो और ठवी बात मैंने ये पेश की कि वालदे ओलाद के लिए एक आइडियल होते हैं एक खुतबा होते हैं एक मिसाल होते हैं तो उनको अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए उनकी कोई भी बुराई बच्चों में बगैर किसी शुरू के आपको एहसास भी नहीं होगा मुंतकिल हो जाएगी जो बढ़ भी सकती है तो इसके आप जिम्मेदार होंगे और नवी चीज़ मैंने ये पेश की कि देखिए घर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं कोई छोटा कोई बड़ा कोई मर्द कोई औरत कोई बीमार कोई सेहतमंद कोई गुस्से वाला कोई नर मिजाज वाला हर एक को उसका माहौल दें हर एक को उसके आ, अलग एतबार से उसके साथ मामला करें और आ, हिजाब का खास तौर पर ख्याल रखें हिजाब का खास तौर पर ख्याल रखें यह चीज़ मैंने पेश की और दसवीं चीज़ जो मैंने पेश की वो ये थी कि देखिए हर घर अलग इसलिए होता है कि उस चार दीवारी में वहाँ की बातें वहीं पर दब के रहें वहीं पर महफूज़ रहें वहाँ की बातों को निकाल करके बाहर अपने अपने घरों में अपने दोस्तों में अपने जान पहचान के लोगों में अपने भाई बहनों में आम करना ये घरों को बिगाड़ने के बराबर है ये घरों को बिगाड़ने के बराबर है और इसके कायम मकाम ये है कि आप उसकी वीडियोग्राफी कर लें फोटोज ले लें और उसको आम करें ये तो और सख्त है तो ये दस पॉइंट मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अपने घरों को हमें खुशगवार बनाने की तौफीक नसीब फरमाए हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र हो शरीयत की पाबंदी हो अख्तिलाफ़ से हम महफूज़ रहें रिश्तों की हम हिफाजत करें अल्लाह ताला, ताला इसकी तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे एक सच्चा पक्का मुसलमान बना करके ज़िंदा रखे और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए أرادت سوء سے الله تعالى ہماری حفاظت فرماية آمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته